रीज़न ये था कि ये सच्चाई है कि जब मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आया और मैंने प्लान किया कि मैं भोजपुरी फिल्म करता हूँ। देखिए, मैं फिल्म में आया तो हमारा जब हमने स्टार्ट किया फिल्म लाइन में आना, तो पहले तो हमने एक हिंदी फिल्म प्लान किया था और उस हिंदी फिल्म के लिए हम काफ़ी पैसा, हमने ऑफिस भी खोला मुंबई में और बहुत सारा उसमें बजट और ऑल सब हम देख करके फिर हमको लगा कि नहीं, अभी सीखने की जगह है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चूँकि थोड़ा कम बजट था, काफ़ी कम बजट था हिंदी फिल्म के कंपेरिजन में, तो हमको लगा कि हम इससे सीख सकते हैं, तो इस वजह से हमने पहले भोजपुरी क्षेत्र चुना। लेकिन जब हम अपने और फिल्म सर्किल में शेयर किए कि हम भोजपुरी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो लोगों ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोगों के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे, उनको लगा कि ये भोजपुरी फिल्म बना रहे हो तुमको, अरे कब से शौक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब तरह तरह की बातें लोग कमेंट करने लगे। फिर हमको लगा कि हमारी भी भाषा भोजपुरी है, भोजपुरी से मिलती जुलती भाषा है, मैं रहने वाला भदोही डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मुझे लगा कि हमारे आसपास सब भोजपुरी बोली जाती है और लोगों के हमारे जो सराउंडिंग जो रिलेशन है, जैसा कि भोजपुरी फिल्मों में दिखाया जाता है, उससे बिल्कुल अलग है। भोजपुरी में लोग भाभी को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, साली को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, जबकि हमारे गांव में लोग भाभी को माँ का दर्जा देते हैं, साली को लोग छोटी बहन की तरह मानते हैं, जो हमारा कल्चर है। लेकिन फिल्मों के माध्यम से लोगों ने ऐसा गंदा गंदा पेश कर दिया है कि लोग घरों में बंटवारा हो रहा है, भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तमाम चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं जिससे कि भोजपुरी फिल्मों ने गंदगी फैला के रखी हुई थी। तो हमको लगा कि हम बनाएंगे तो हम समाज को भी थोड़ा सुधारेंगे, क्योंकि देखिए समाज फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, अगर आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ, बड़े मज़े की बात है, कोई भी गंदी फिल्में और अच्छी फिल्मों का जब भी आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी फिल्मों ने बहुत ज़्यादा व्यवसाय किया है गंदी फिल्मों के कंपेरिजन में। फिर भी पता नहीं क्यों लोग गंदी फिल्म बनाते हैं, गंदी फिल्म को लोग प्रमोट करते हैं लोग, लेकिन अच्छी फिल्म बनाइए। नदिया के पार देखिए कितना अभी भी कहीं लग जाता है तो सिनेमा हॉल भर जाता है। अभी आप हम आपके हैं कौन देखिए हिंदी फिल्म बनी हुई है और इतनी गंदगी वाली फिल्में बनती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो है अभी उसके नाम से हैं दर्शकों का। कि तो अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्म के दर्शक पूरा परिवार के साथ जाते हैं देखने, गंदी फिल्म एक परिवार का एक आदमी जाएगा देखने, अच्छी फिल्म पूरे परिवार के परिवार जाएंगे लोग देखने। नहीं देखिए दो वजह है, मैंने किसी रिनाउंड एक्टर को, हालांकि विराज भट्ट जी नेपाल के सुपरस्टार हैं, कुछ समय के लिए वो भोजपुरी इंडस्ट्री से हट गए थे, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मैं इस मामले में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो लड़कियों को और लड़कों को, मतलब हीरो को और हीरोइन को जो लोग फीस स्ट्रक्चर है, मैं चाहता हूँ कि आस पास सेम रहे। हम एक एक्टर को हम फीस दे रहे हैं 50 लाख, एक एक्टर को हम फीस दे रहे हैं 20 लाख, एक्ट्रेस को हम फीस दे रहे हैं 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो जो हमारा मेकिंग खर्चा है वो केवल मेकिंग खर्चा सेम है। आप चाहे 50 लाख वाला हीरो लीजिए, चाहे 2 लाख वाला हीरो लीजिए, आपको सारे खर्च वही करने पड़ेंगे और जो रिकवरी है वो उतना ही ऐड हो करके अगर आपको कहीं से मिलता है। तो हम कहते हैं कि हम नए चेहरे को जो टैलेंटेड हैं उनको मौका दें, उनको हम सेम फीस दें हीरो को भी हीरोइन को भी, और हमारे फिल्मों के माध्यम से वो आगे बढ़ें। ऐसे सारे एक्टर को एक्ट्रेस का हम वेलकम भी करते हैं और हम भविष्य में भी ऐसे ही एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे जिनको कि हम बराबर से फीस दें और वो हमारे फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ें। सर, लास्ट में जल्दी जानेंगे, जैसे आप बहुत से सारा सिनेमा हॉल में विजिट किए हैं, ऑडियंस से बात भी किए होंगे, तो ऑडियंस की क्या ओपिनियन है हिंदी फिल्मों के या भोजपुरी फिल्मों को लेकर के? देखिए, ऑडियंस का भी यही राय है कि अगर अच्छी फिल्में बनेगी तो देखेंगे वो, बल्कि हिंदी फिल्मों से ज़्यादा देखना चाहते हैं भोजपुरी फिल्म, क्योंकि उनके माटी से जुड़ा हुआ है। हम पढ़े लिखे जनरेशन में भी गए तो उनका ये ओपिनियन था कि हम लोग अपनी भाषा अपने बच्चों के बीच में रखना चाहते हैं, जो कि उनके घरों में से गायब होता जा रहा है। बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे हैं, बच्चे खड़ी हिंदी बोलने लगे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भोजपुरी भाषा में बात करें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें। लेकिन उसका सबसे अच्छा माध्यम फिल्म है, लेकिन फिल्म अगर अच्छी क्वालिटी की बने तो वो ले जाए उनको दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ ये इस चीज़ को भोजपुरी लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, ये अंग्रेजी में इस वर्ड का भोजपुरी में इस तरह से कन्विंस करते लोग प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अब अच्छी चीज़ बनेगी तो लोग ज़रूर जाएंगे देखने। तो जो बॉलीवुड के बॉलीवुड फिल्म अलग होती है, भोजपुरी अलग होती है, उसमें कितना अंतर आप पाते हैं बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म? बॉलीवुड बॉलीवुड है, भोजपुरी भोजपुरी है। बॉलीवुड फिल्मों को आज की तारीख में अगर देखा जाए तो देखिए बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कोई नहीं देखना चाहता है। अब कहानी आप अच्छी लेके आइए, चाहे आप हीरो को मत जाइए, आप हीरोइन पे मत जाइए, आप सिर्फ कहानी पे ले आइए, अच्छे विषय के फिल्म बनाइए
और साउथ की देखिए फिल्में बन के डब हो करके हिंदी में रिलीज हो रही हैं, तो ये तो ऑडियंस है हमारे, 30-35 करोड़ ऑडियंस हैं जो कि भोजपुरी बोलते हैं, समझते हैं, 30-35 करोड़ लोगों के लिए हम फिल्म बना रहे हैं। और इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम मानते हैं कि भोजपुरी और हिंदी का ये हमने एक अलग अलग अखाड़ा बना रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हिंदी सिनेमा में भोजपुरी का प्रयोग बहुत सालों से हो रहा है। खई के पान बनारस वाला जो कि एक बनारसी पान पे गाना है, ये अमिताभ बच्चन जी ने डॉन पिक्चर में गया, जो आज तक की सबसे बड़ी हिट पिक्चर है। आप अभी तक अनुराग कश्यप जी की पिक्चर ले लीजिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें भोजपुरी कल्चर का और मतलब उस पूर्वांचलीय कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी नई OTT सीरीज़ आई है खाकी बिहार चैप्टर, उसमें भी उस कल्चर को लेके काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी रही। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी और हिंदी अलग अलग मानेंगे, हिंदी भी भोजपुरी को यूज़ करता है, लेकिन वो जैसे करते हैं उसमें लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हमारे अपने इंडस्ट्री के लोग उस भोजपुरी को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि भोजपुरी और हिंदी अलग अलग ना देखी जाए, भोजपुरी हिंदी का एक मतलब सबसेट है, मतलब एक पार्ट है, जिसकी वजह से मतलब एक मान सकते हैं कि वो हिंदी का ही एक पार्ट है। तो दोनों ज़्यादा अलग नहीं है एक दूसरे से, और हिंदी हमेशा से भोजपुरी का इस्तेमाल करती आई है और करती रहेगी, इसीलिए हमारी कोशिश है कि भोजपुरी को एक अपना मुकाम, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो सिनेमा के थ्रू मिले।